अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये 3/4 टाइम में है ट्रैवल क्लिप में। ये जो नंबर एक बार पे है, फिर दो बार है, तीन बार है, चार बार, क्या आपको एक जैसा लगता है? नहीं, ये एक जैसे नहीं हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ आकार बना हुआ है, इसमें कुछ एस टाइप से जोड़ा हुआ है और यहाँ पर कुछ डॉट बिंदी लगी है। आइए इसके बारे में, ये क्या क्या है। इस बार को जो नंबर एक बार को है इसको कहते हैं सलर, और ये जो नंबर दो बार और तीन बार को ये जोड़ा हुआ है इसको कहते हैं टाई, और ये नंबर जो चौथे तार पे लगा हुआ है बार पे, कुछ बिंदियाँ नोट्स के ऊपर लगी हुई हैं, इसको कहते हैं स्टेकाटो या टंगिंग नोट। इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं दीपकार बुरासे की आपको अपने यूट्यूब चैनल दीपकार बुरासे में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे अब आपको पता लग गया होगा कि हमारे बात आज चल रही है, तो चलिए नंबर एक को हम लेके चलते हैं। सबसे पहले सलर को, जो कि ये सलर्स है। सलर्स बोलने का मतलब है कि जो एक नोट से दूसरे नोट में कभी भी जाते हैं तो उसको बिल्कुल खड़े नोट से नहीं बजाते हैं, बल्कि उसको एक किस्म से, ये अगर कोई आपके आपके यहाँ पर जैसे कोई ब्रास इंस्ट्रूमेंट है, ब्रास या मतलब कि जैसे आप ट्रम्पेट बज सकते हो, क्लारनेट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि विंड वाइंड इंस्ट्रूमेंट, विंड से हवा से बजाया जाए, तो उसको जो वो वाला प्ले करते हैं तो जो कोई भी नोट होगा उससे जहाँ भी इस सलर की निशानी ये होती है कि एक किस्म से चंद्राकार किया हुआ, तो जो भी सलर का निशानी जब आएगी तो उस नोट से वहाँ तक खाली एक ही सांस में उसको बजाएंगे। नोट्स को हम चेंज करते रहेंगे मगर बजाएंगे हम उसको टंग से नहीं। देखिए एक बार है ये नंबर एक बार में, यहाँ पर देखिए आप ये सलर लगाया हुआ है इस यहाँ पर, ये जो कि नोट एफ ए डी है, और नंबर दो बार में ऊपर को गया हुआ है सलर है, और नंबर तीसरे और चौथे और पांचवा छठे बार में देखिए एक बहुत लंबा सा ये लगाया हुआ है। इसमें भी फर्क है, सलर खाली एक बार के ऊपर इस ढंग से आएंगे या नीचे से, इस ढंग से नीचे को होगा या फिर ऊपर से होगा, मगर जब कभी लंबे ये आगे करके किया होगा बहुत लंबे बार पे तो वो सलर नहीं होता, उसको फ्रेजिंग बोलते हैं। देखिए जैसे यहाँ से ये चौथा पांचवा, ये तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये जो बार्स हैं इस मीटर लाइन में जो बार हैं यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक एक इनका ये फ्रेज बना हुआ है, इसको सलर नहीं बोलते हैं। और सलर होता है ये जो कि नोट्स से ऊपर दिया गया हुआ है। तो इस सलर को बजाने का तरीका किस किस्म से, आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो नंबर एक बार पे आइए आप, यहाँ पर देखिए नंबर एक बार का यहाँ जो सलर लगा हुआ है एफ ए डी नोट, तो इसका ये प्लेइंग इस किस्म से होगा। फिर देखिएगा आप, फिर सुनिए, क्योंकि फिर आपके इसके बारे में बताते हैं। ये नंबर एक बार में इस बार पे, तो आपने महसूस किया होगा कि जो लाइन वगैरह इसमें जो बज रहे थे एफ ई डी जो बज रहे थे इसमें कोई मतलब उसमें एक ही सांस में हुआ था, ये लंबा सा नोट करके जैसे एफ ई डी डी एफ, ये इस किस्म से हुआ था। तो इसी को सलर बोलते हैं कि एक ही सांस में वो उसको बजाना। अगर आप कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि गिटार्स वगैरह में बजा रहे हों तो उसको स्लाइडिंग करते हुए ले जाएंगे, कि सलर का मतलब होता है स्लाइड करना, जैसे एक फ्रेट से दूसरे फ्रेट तक बिल्कुल घसीटते हुए ले जाना स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट पे। और जो ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट में होता है वो जो फूक वाले बाजे में इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें डायरेक्ट ही वो बजाया जाता है कि एक ही सांस में, जैसे एक सांस में ये पहला बार बजेगा और दूसरी सांस में ये वाला बार बजेगा। तो और ये जो लंबा सा बनाया हुआ है ये सलर नहीं है, इसको फ्रेज बोलते हैं। तो इसके बारे में, सलर के बारे में ये था। तो अभी हमने जाना था, पहले जाना था सलर के बारे में क्या था, अब नंबर दूसरा हम दूसरे पार्ट में आते हैं टाइस। टाइस क्या होता है बोल के, जैसे कि टाई आप समझते हैं, टाई जैसे नेक टाई कि गले को जोड़ने के लिए होता है, गले बॉडी को जोड़ने का टाई, तो टाई का मतलब होता है कि जो जोड़ना,
टाई से आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जोड़ने को टाई बोलते हैं। अगर जो दो नोट को अगर हम टाई लगा देते हैं तो वो जुड़ जाता है, और टाई लगाने से नंबर एक उसमें कई चीज़ों का फर्क पड़ता है, जैसे कि टाई लगाने से नोटों की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है, नोटों की लंबाई बढ़ जाती है, और टाई से ही नोटों का आकार स्वरूप बदल जाता है। वो किस किस्म से बदलता है देखिए, आप हम ले चुके हैं। अब देखिएगा कि आप यहाँ पर नंबर एक बार पे ये सलर था, जो कि सीधा ही जिसके बारे में पीछे बताया गया था, ये इसको अब हम चल रहे हैं टाइस की तरफ को। सलर देखिए नोटों के ऊपर इस किस्म से चंद्राकार लगाया हुआ, मगर टाई को जो है कि एक नोट से दूसरे नोट के ऊपर इस ढंग से वही चंद्राकार से लगाया हुआ, मगर सेम नोटों के ऊपर। जो सलर है वो अलग अलग नोटों पे होता है, और जो टाइज होता है वो एक ही नोट के ऊपर होता है। जैसे कि यहाँ पर ये सी के ऊपर से ये जुड़ा हुआ है, ये टाइज है, और यहाँ पर ये सलर है। तो टाइज का देखिए, टाइज लगने से देखिए यहाँ पर एक लंबा इसका नोट्स जो है, ये जो सी क्रॉचिट था आगे से ये सी मीनम पे यहाँ पर टाई हो गया, तो इसका मतलब वैल्यू बढ़ गया है सी का। तो ये वैसे ही एक ही नोट का होना था, एक ही बीट का होना था ये नोट, अब यहाँ पर इस जुड़ने से तीन बीट का हो गया हुआ है। तो यही फर्क है सलर और टाइस में। सलर में जो है कि हर नोट के ऊपर होता है वो, अलग अलग नोटों के ऊपर, मगर टाइस में खाली एक ही सेम नोट पे टाई अगले से जुड़ा होता है किसी भी नोटों को। अब इसको देखिए, हम अगर इसको यहाँ पे अगर ये वाला इसको इस किस्म से कर दें तो हम इसको ये टाइज नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये यही सलर बन जाता है। तो अब हम प्ले करते हैं टाइज को। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, टाइज में जब नोटों के ऊपर ये जैसा टाई लग गया हुआ तो नोटों की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, और वो किस किस्म से बढ़ती है आप देखिए। अभी हम बजाते हैं इसको, फिर आप महसूस कीजिए एक बार और, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये जो ई डी ये जल्दी थोड़ा जल्दी बजाता, मगर जब ये सी में आए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरा तीन बीट का लंबा ठहराव रहा, उसके बाद में फिर ये सिंगल सिंपल बजा, जैसे टी टा टा टी ई एफ डी सी डी। तो जो सी था ये लंबा बजा था, तो इसके कारण जो ये टाई लग गया, टाई लगने के कारण इसकी जो सी की थी वो वैल्यू इनकी बीट बढ़ गई। तो टाई से ये है कि टाई का मतलब कि वो सेम नोट के ऊपर टाई लगता है और उस वैल्यू की उसकी बड़ी बढ़ जाती है। ये तो ये था टाइस के बारे में। तो आइए अब चलते हैं हम टंगिंग की तरफ को। टंगिंग क्या होता है बोल के, जैसे कि जो भी जो फूंक वाले बाजे होते हैं जिसे मुंह से बजाया जाता है, मुंह से बॉडी की हवा द्वारा बजाया जाता है, उन बाजों में जब हम सिंगल सिंगल नोट बजाते हैं, मतलब उसको दांतों में लगा के टंग मतलब जीभ को यूज करते हैं, टंग मतलब जैसे आपको पता है कि जीभ, तो जीभ के द्वारा ही उसको ठोकर दे के जो बजाया जाता है उसको टंगिंग कहते हैं। तो ये अगर टंगिंग मतलब सब चीज़ों में हो सकता है, सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें, तो उस चीज़ को हम टंगिंग बोलते हैं जो कि उससे बजाया जाता है, किस किस से बजाया जाता है आइए अब देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है नोट्स हैं 3/4 पे, इस नोट्सों के ऊपर देखिए कि छोटे छोटे बिंदी लगे हुए हैं, असल में इसको ये स्टेकाटो बोलते हैं। तो यह जब इसका भी स्टेकाटो बजाते हैं, मतलब स्टेकाटो छोटे रूप में बजाना, तो उसको फूंक में फूंक तो देते हैं, फूंक के साथ में उसको बजाते हैं, टंग को लगाते हैं हम, मतलब जीभ के द्वारा उसको ठू ठू टू 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 करके बजाते हैं, यानी कि टू 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 कर होता है। तो ये किसके, जैसे आपने पहले देखा था कि जो सलर था
वो उस सलर नोटों पे सलर्स में कुछ इस किस्म से चंद्रकार बजाया था, उसको हम घसीट के नोटों को एक ही सांस में बजाते थे। दूसरा जो हमारा टाई था उसको हमने जोड़ा हुआ था, तो अब ये जो टंगिंग है इसमें टू 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 करके एक एक करके बजाएंगे, तो देखिए उसको बजाया कैसे करके जाता है, जो कि ये नोट है एफ जी ए बी ए जी एफ, तो ये किस किस्म से बजाया जाता है आइए देखते हैं। तो आइए हम अब देखते हैं कि ये जो टंगिंग नोट है, जिसको कि अभी मेरे पास वो ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसलिए इसमें मैं की वाले में ही बजा रहा हूँ, फिर भी आपको एक बजा के सुनाता हूँ कि ये टंगिंग नोट सिंगल सिंगल नोट और किस रंग से बजता है। देखिए तो अभी आपने सुना होगा कि ये जो एफ जी ए बी ए जी एफ, मतलब ये इसमें कहीं भी रुकावट बीच में नहीं हुई, हालांकि 3/4 का टाइम का है, तो ये इस किस्म से बज रहा देखिएगा। तो ये था टंगिंग का, जो कि हमने आपको अभी आपको बताया टंगिंग का। तो अब आप उम्मीद करता हूँ कि जो आज के बारे में तीन के बारे में मैंने चलाया, जो कि पहला था सलर था, दूसरा था टाई और तीसरा था टंगिंग, इनके बारे में आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ अगर बात हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के स्टाफ नोटेशन का म्यूज़िक का लाता रहता हूँ। उससे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मुझे और अच्छे वीडियो बनाने की एक अंदर से जोश आएगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।